वो सब्जेक्ट जैसे जिनमें से एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैट, ठीक है, स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा डायनामिक्स है, प्रोग्रामिंग इन सी है, एज इट इज़ क्वेश्चन इसमें से उठा रखे हैं, ठीक है। ये बुक है प्रदीप की, ठीक है तुम्हारे पास ये? नहीं है तो जो हो गए हो सब्जेक्ट अल्टरनेटिव डेज में ले लेना, अगर उनको करवाएं तो वो अपने आप में बीएससी में भी तुमने पढ़ा होगा, है ना, तो वो वैसे ही नहीं समझ में आती, और एक दो तो दिन में तो क्या ही समझ में आएगी। ओके, तो एक बार जस्ट उनके जो क्वेश्चन देख लेना, इतने क्वेश्चन नहीं है, कितने कितने क्वेश्चन हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, जस्ट आप उनको देख लेना कैसे क्या आए हैं, आए तो ठीक है वरना एक दो क्वेश्चन, वरना उनको छोड़ भी सकते हो आप। ओके, लेकिन जो प्रोग्रामिंग इन सी है, ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसके जो क्वेश्चन है वो मत छोड़ना आप। उनके क्वेश्चन बस ये आएगा कि ये कौन सा मेथड होता है, ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड होता है। ओके, टाइम बचेगा तो हम कर भी लेंगे, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है ये ज़रूर आप इससे कर ले। आप अगर पिछले पेपर उठाओगे, उसने अभी चेक किए आने से पहले, एज इट इज क्वेश्चन जो कंटिन्यूस पूछे हुए हैं, ये 30 मतलब रैंडमली क्वेश्चन दे रखे, लेकिन सारे हैं इस बुक में से ही। हालांकि दूसरे सब्जेक्ट्स भी है लेकिन वो तो हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना है। जैसे प्रोग्रामिंग इन सी है, उसमें कोई कैलकुलेशन थोड़े करनी है, उसमें कुछ बताने का तो है ही नहीं, कमांड क्या होती है, ये कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये कौन सी कमांड होती है, बस वो देखना है एक बार, तो वो जिस इसमें दे रखा है वो कर लेना। ओके, और जो बाकी है वो हम करेंगे। ग्रुप हम स्टार्ट कर चुके हैं, ओके, आ गया समझ ग्रुप क्या होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। एक बार मैं अभी उसको इस क्लास में फटाफट करवा रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा उस टाइम तक, तो उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाएंगे। तो जितने भी ग्रुप है वो पढ़ लिए तुमने, सबसे पहले तो ग्रुप तो तुम्हारा हो ही गया, बस कुछ डेफिनेशन है वो रहती है अभी करनी है हमारी, कि सेंटर क्या होता है, नॉर्मलाइजर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम्स एंड अप टू सम। ओके, तो जो सबसे पहला है हमारे पास डेफिनेशन वो है एबिलियन ग्रुप की। एबिलियन ग्रुप पहले ही पढ़ा होगा तुमने, एबिलियन ग्रुप है ना, क्या होता है कि हमने जब ग्रुप पढ़ा था, ओके, तो चार प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, उसके बाद अगर उसमें से एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दूं मैं, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी। सबसे पहले तो वो जो है वो क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होगी तो कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं जिसको मैं कौन सी प्रॉपर्टी बोलूँगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी, और वो तुम्हारे पास क्या है, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी भी अगर हो उसमें, यानी ए स्टार बी करूँ मैं, वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए, तो जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप, और उस कम्यूटेटिव ग्रुप का ही हमने नाम रखा है क्या, एबिलियन ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेड फोर ले लिया मैंने, ठीक है, जेड फोर ले लिया, ओके, कल हमने एक ग्रुप किया था जेड प्लस, किया था ना कल ये इंटीजर, जेड नेगेटिव के साथ नहीं बना था लेकिन जेड प्लस किया था, तो क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। ओके, अब इसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, जेड फोर है, जेड फोर में कितने एलिमेंट होंगे, 0, 1, 2, 3, यही होंगे ना, आप 1 + 2 करके, ठीक है, या फिर ये कर लो, या फिर 2 + ये करके, क्या एलिमेंट सेम नहीं आएंगे दोनों तरफ, सेम आएंगे, और ये सभी एलिमेंट के लिए होगा, है ना। तो ये जो ग्रुप है आपको दिख रहा है जेड फोर, ये क्या बन जाएगा, एक एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ओके, जो जेड प्लस है ये भी एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, आर प्लस ले लूँ ये भी ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, सी प्लस ले लूँ ये भी एक एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एबिलियन ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं जनरलाइजेशन कर सकता हूँ कि जो जेड है, और मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एन रख दिया, अब एन की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, क्योंकि नंबर सिस्टम में आप ए में बी ऐड कर लो, बी में ए ऐड कर लो, और फिर उसको ऐड करने के बाद बेशक रिड्यूस भी कर लो, नंबर तो सेम ही आएगा, रिड्यूस करने के बाद भी नंबर सेम आएगा, तो जेड एन है वो ऑलवेज क्या होता है बताओ, ऑलवेज एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है, एबिलियन ग्रुप होता है। ओके, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जेड एन क्या होगा, एबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, नॉर्मल होगा एंड अप टू सम, तो एबिलियन होगा ये। ओके, साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन साइक्लिक के लिए कंडीशन है हमारे पास कि ये जो मैं तुम्हारे पास पी है ये प्राइम हो तो ऑलवेज साइक्लिक होता है, साइक्लिक है तो एबिलियन तो पक्का ही होगा, एबिलियन है तो साइक्लिक होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ये तो पहले ही पढ़ चुके होगे तुम, ग्रेजुएशन में पढ़ा ही है पेपर तुमने, अच्छे से पढ़ा है, पढ़ रखा है, ओडी की तरह तो नहीं है कहीं, जैसे मैं हूँ, मैंने नहीं पढ़ा था पेपर ये ग्रेजुएशन में, इसी तरह एक दो पेपर तो छोड़ ही देते हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ओके,
फिर उसके बाद हमने जितने भी ग्रुप पढ़े अभी तक उनमें दो टाइप के ग्रुप थे, है ना, एक तो फाइनाइट ग्रुप और एक इनफाइनाइट ग्रुप। जैसे ही बोर्ड पे तुम्हारे पास दो ग्रुप लिखे हैं, एक तो ये ग्रुप लिखा है मैंने और एक ये ग्रुप लिखा है, इनमें से फाइनाइट ग्रुप कौन सा होगा? जेड एन, ठीक है, वो थोड़े फाइनाइट है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जो ग्रुप, ठीक है, अब ऑर्डर भी हम साथ साथ पढ़ रहे थे, जैसे ग्रुप डिस्कस कर रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि ऑर्डर वहाँ पे कार्डिनलिटी बोल रहे थे, लेकिन कल लास्ट के लेक्चर में हमने उनको क्या प्रूव कर दिया? ग्रुप प्रूव कर दिया। तो ग्रुप प्रूव करने के बाद उनका ऑर्डर क्या होगा वो भी तुम्हें पता चल गया सभी का, साथ साथ पता है ना, जैसे इसका ऑर्डर पूछा है उसने, इसका ऑर्डर कितना होगा? एन होगा। तो एन फाइनाइट है, तो जिस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, और जिस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है उसको हम इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी ग्रुप पढ़े हैं, जैसे जनरल लीनियर ग्रुप पढ़ रहे थे हम, जब एन की वैल्यू 1 ले रहे हैं हम, ओके, तो ग्रुप है वो फाइनाइट बन रहा है, लेकिन जब एन की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो ग्रुप के ऑर्डर कितना बन रहा था? इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट ग्रुप हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। एडिशन मोड लो एन, मल्टीप्लीकेशन मोड लो एन, क्लियर है। अब एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास कुछ रिजल्ट है। फर्स्ट रिजल्ट, अगर हमने कल कई ऐसे ग्रुप किए थे यूएन में, U12 किया था, फिर U10 किया था, उसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स खुद ही बनना था, वो है ना, 3 का इन्वर्स 3 बनना था, 5 का इन्वर्स 5 बनना था, 7 का इन्वर्स 7 बनना था, तो उनको मैंने नाम दिया था, उसको क्या नाम दिया था मैंने? सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स, है ना। तो अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, ठीक है, यानी आप ए इन्वर्स करो, ठीक है, तो वो ए ही आ रहा है, यानी इस टाइप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट। अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, तो वो ग्रुप क्या बन जाता है? एबिलियन ग्रुप बन जाता है। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट, अगर सभी का ऑर्डर, देखो सेल्फ इन्वर्टिबल है, सेल्फ इन्वर्टिबल है तो ए है, उसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सेल्फ इन्वर्टिबल है, ओके, उसकी उसके साथ कंपोजिशन करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, मतलब उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 बार ऑपरेट किया ना आपने, ए स्टार ए, ए स्क्वेयर लिख सकता हूँ मैं उसको, तो अगर ए स्क्वेयर ई है सभी एलिमेंट्स के लिए तो भी ग्रुप क्या हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा तो एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, लेकिन एबिलियन ग्रुप है तो ये होने कोई जरूरी नहीं है, ये होने कोई जरूरी, ऊपर जेड एन है, जेड एन में क्या हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होना जरूरी है? नहीं, एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सीखा था ना कल हमने, बाकी अभी भी बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं, कल भी मैंने बता दिया था जेड एन के बारे में, एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो अगर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई है तो ये क्या हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप। अगर ए इनवर्स ए है हर एक एलिमेंट के लिए तो वो भी क्या हो जाएगा? एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ओके। कितनी कंडीशन पढ़ ली हमने? 2। तीसरी कंडीशन, अगर मैंने ए इंटू बी किया, ए और बी कोई भी ग्रुप के दो एलिमेंट है, अगर मैंने उनका स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर मतलब ए बी को अप्लाई कर दिया ए बी के साथ, तो अगर मैं उसको ऐसे ओपन कर दूं, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी, इसका मतलब भी क्या है कि जो ग्रुप है तुम्हारे पास वो क्या है? एबिलियन है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इफ ए स्क्वेयर ए बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर फॉर ए बी, देन जी इज ए एबिलियन साइक्लिक नॉर्मल एंड अप टू सो, चार ऑप्शन दे देंगे आपसे, तो पक्का क्या बनेगा वो ग्रुप? एबिलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी भी ग्रुप में चार एलिमेंट है या चार से कम एलिमेंट है तो वो ग्रुप पक्का एक एबिलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। यानी ग्रुप का ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 से ज़्यादा है तो वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 4 है, ठीक है, या 4 से लेस है तो वो पक्का क्या बनेगा? एक एबिलियन ग्रुप बनेगा। जैसे कितने ग्रुप पढ़े हमने, मतलब मैंने D2 ले लिया, D2 का ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा, 2n होता है D2 का ऑर्डर, तो बताओ क्या बनेगा? वो एबिलियन बनेगा। अभी रिजल्ट बताया मैंने कि चार या चार से कम ऑर्डर वाला जो ग्रुप है वो ऑलवेज क्या होता है? एबिलियन होता है। फिर मैंने S2 ले लिया, S2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे? 2 फैक्टोरियल, कितने आ गए? 2, तो क्या एबिलियन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। Z4 ले लिया, एबिलियन बनेगा। Z3, Z2, Z1, ये तो सभी एन के लिए बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, कितने ऐसे बताए हैं मैंने जिससे हम बता सकते हैं कि ग्रुप क्या है? एबिलियन है। चार हो गए ना, एक फोर्थ वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। जब हम MSc में जाएंगे तो कभी कई थ्योरम हम करेंगे जिसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करेंगे, तो उनमें हम इन्हीं का यूज करते हैं कि ये है फोर होल के लिए तो ग्रुप क्या हो गया? एबिलियन हो गया। जब MSc में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में जाके, तो इनका आप यूज भी करोगे आगे जाके, ओके। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। पता होगा तुम्हें क्या होता है ऑर्डर,
ग्रुप का ऑर्डर तो पता चल गया, अब एलिमेंट के ऑर्डर की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लो जी है, उसका ऑर्डर मैंने क्या मान लिया एम मान लिया, ठीक है। तो अगर ऑर्डर की डेफिनेशन बताऊं तो ये होगा कि आपको ए की कंपोजिशन ए के साथ कितनी बार करें, ठीक है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए ग्रुप का, कि जी हमने क्या बोला एक ग्रुप है, तो मान लिया मैंने ए की पावर एन करी और आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया, ई आ गया, है ना। और जो ये एन है तुम्हारे पास, ये लिस्ट पॉजिटिव पावर है, तो समझ रहे हो ना, इसका मतलब ए एन का मतलब है कि ए स्टार ए एंड अप टू सोन स्टार ए, ये कितनी बार ए है यहाँ पे, एन टाइम्स ए है। तो मैं इसको ए रेस टू पावर एन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आगे जाके हम स्टार वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, हम ए डॉट ए लिखेंगे, ए डॉट ए भी नहीं, ए इन टू ए लिखेंगे, और वो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए रेस टू पावर एन कर दिया तो वो तुम्हारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो ए का ऑर्डर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये तो है ग्रुप का ऑर्डर, और ये किसका है, एलिमेंट का ऑर्डर। फिर आगे जाके तुमने लैग्रेंज इक्वेशन भी पढ़ी होगी कि मान लो ग्रुप का ऑर्डर है वो मैंने 12 दे रखा है, तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसमें, 12 एलिमेंट होंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूं कि 1 है, ठीक है, 1 ऑर्डर का हो सकता है। लास्ट टाइम रिजल्ट बताया था मैंने कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो उसका ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ई है उसको तो किसी के साथ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ई इज इक्वल टू ई, ई रेस टू पावर 1 इज इक्वल टू ई, या ई स्टार ई करोगे, हालांकि देखो ई स्टार ई करेंगे तब भी ई आएगा, लेकिन ई की पावर तो 1 करने से ही ई आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। वो सेल्फ इन्वर्टिबल भी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 12 है, तो लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलती है कि अगर इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करोगे आप, तो उन एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखूँ मैं तो ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 पॉसिबल हो सकता है, 2 भी पॉसिबल हो सकता है, 3 पॉसिबल हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 5 है वो 12 को डिवाइड नहीं कर रहा है। फिर 6 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, है ना, पता होगा तुमने ये, इसको लैग्रेंज थ्योरम बोलते हैं। तो ये तुम्हारे पास है फाइनाइट ग्रुप के लिए, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, कुछ वैल्यू दे रखी हो, तो इसके जो डिवाइजर हैं वही पॉसिबिलिटी है कि इसके ग्रुप एलिमेंट के ऑर्डर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मान लो मैंने ये बोल दिया Z2 आगे जाके पढ़ेंगे हम, इसका ऑर्डर तुम्हें पता है कितना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पढ़ा होगा, अगर एक की कार्डिनलिटी M है, B की कार्डिनलिटी N है, तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी कितनी होती है, M क्रॉस N, तो Z2 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट में कितने बनेंगे, 4, और 4 ग्रुप का तो एबिलियन बताया था मैंने, एबिलियन होता है। तो देखो 4 है, 4 का डिवाइजर तो 4 भी है, जैसे 12 है, 12 का डिवाइजर तो 12 भी है, 12 ऑर्डर के पॉसिबल हो सकते हैं, होंगे या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है फिर, ग्रुप पे, ठीक है, कि ग्रुप आप क्या लेके चल रहे हो, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, ओके। तो मैंने यहाँ पे देखा, तो एलिमेंट का ऑर्डर तुम इसमें करोगे तो एलिमेंट का ऑर्डर सभी का 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, ओके। और 4 नहीं आएगा तो ये थोड़े कि एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, या 4 आना ज़रूरी है, तो इन रिवर्स पॉसिबल नहीं है, कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूर है कि 12 है तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर 12, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर ये हो, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट मान लो एलिमेंट का ऑर्डर, मान लो ग्रुप का ऑर्डर 12 लेके चले, और कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर तुम्हारे पास 3 है, ठीक है, तो 3 है तो ए की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। फिर आप इसकी कितनी पावर करते चले जाओ, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसकी पावर 2 कर लूँ, फिर इसकी पावर भी 2 करनी पड़ेगी, और ये कितना हो जाएगा आइडेंटिटी, तो ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई, तो 6 इसका ऑर्डर नहीं है, 6 के लिए ऑर्डर के लिए मिनिमम से मिनिमम पावर देखनी होती है, और मिनिमम से मिनिमम पावर इसकी कितनी आ चुकी थी, 3 आ चुकी थी। कहने का मतलब उसके बाद उसकी पावर करना स्टार्ट करोगे तो 6 है वो 12 से छोटा है, लेकिन 6 है वो उसका ऑर्डर नहीं है, उसका ऑर्डर तो तुम्हारे पास कितना है, 3 है। 6 क्यों नहीं है, क्योंकि 6 लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है कि उसकी इतनी पावर करूं मैं और क्या आ जाए तुम्हारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई ग्रुप लिया, ओके, और ए है
ठीक है, और यहाँ पे ए का इनवर्स आ चुका है, और ए का जो ऑर्डर है तुम्हारे पास वो एन है, तो इसका ऑर्डर भी तुम्हारे पास कितना होगा, एन होगा, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो भी तुम्हारे पास एन होगा। वर्बली आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इफ द ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स आर इक्वल, सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है, डिवाइजर मैंने बता दिया, एक इसी से रिलेटेड है कि अगर मान लो ए कोई एलिमेंट है और दूसरा कोई एलिमेंट, हालांकि हम इसका प्रूफ भी करते हैं लेकिन प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, एक्स इनवर्स ए एक्स और ए कोई भी एलिमेंट है, एक्स कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एक तो ये है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होता है, एक तो मैंने ये रिजल्ट बता दिया, दूसरा रिजल्ट ये कि ए का ऑर्डर और ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है इनका ऑर्डर भी तुम्हारे पास क्या होता है, सेम होता है। क्यों होता है, रिजल्ट करोगे तो इसको इसी के साथ अप्लाई करोगे ना तो ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो अगर ए का ऑर्डर एन है तो इसका ऑर्डर भी तुम्हारे पास कितना आएगा, एन ही आएगा, ओके। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपने ए और बी की कंपोजिशन करवा दी फिर आप उसका ऑर्डर निकाल रहे हो, ओके, या फिर आपने बी और ए करा दी फिर इसका ऑर्डर निकाल रहे हो, तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, लेकिन एलिमेंट सेम आएंगे कोई जरूरी नहीं है। जब देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये सेम आ जाती है तो उस ग्रुप का नाम हमने क्या रखा हुआ है, एबिलियन ग्रुप, लेकिन सेम ना भी आए तो भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट आएगा और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट आएगा उन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास किसी एलिमेंट की ऑर्डर की प्रॉपर्टी है, ओके, क्लियर है। और देखो जो मैंने डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी बताई थी, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर, सॉरी ग्रुप का ऑर्डर एम है तो ए का ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, एम का डिवाइजर सबसे पॉजिटिव बड़ा कितना हो सकता है, एम ही हो सकता है। तो अगर आप यहाँ से करोगे तो एन लेके चले थे ना, तो एन है वो एम से इक्वल हो सकता है या फिर लेस होगा ऑलवेज, नहीं समझ आया। मान लो जी का ग्रुप, जी ग्रुप है उसका ऑर्डर 12 है, तो ए उसका एलिमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कितना हो सकता है, 12 ही हो सकता है। कोई बच्चा बोले सर 14 है, पॉसिबल ही नहीं है, कोई बच्चा बोले 24 है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है, ओके। तो ये था तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है सब ग्रुप की, सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप मान लो ये तुमने ग्रुप लिया, ये तुम्हारे पास ग्रुप था जी, ठीक है, ये तुमने एच ले लिया, एच सब ग्रुप है तो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे सबसेट लिखते हैं ना, ये लिख दिया, तो अगर एच खुद इटसेल्फ एक क्या बन जाए, एक ग्रुप बन जाए, तो एच को जी का क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, जैसे सब स्पेस बनता था ना वैसे ही सब ग्रुप बनता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट है सब ग्रुप से रिलेटेड, कि ग्रुप की जो आइडेंटिटी है और जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी है सेम होंगी, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टी तो सेम ही होंगी, क्योंकि जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है वही किसकी प्रॉपर्टी होगी, एच में भी वही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें ये देखनी होगी कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर भी रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये बोल दिया, देखो ए भी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है, मैंने तो ये बोला इसकी कंपोजिशन भी इसके अंदर होगी। मान लो आपने एलिमेंट तो ले रखे है, कंपोजिशन कराने के बाद एलिमेंट क्या आया है, सी, वो आपने बाहर ले लिया, तो क्या पता क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे भी और ना भी करे, है ना, समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी बताओ, हो सकती है, ऑलवेज होगी या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी, मान लो ए बी दो एलिमेंट यहाँ से ले लिया आपने, जी के अंदर तो उनका कंपोजिशन होगा, लेकिन वो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन एलिमेंट तो आपने सी इसके काउंट में नहीं लिया, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरी एसोसिएटिविटी बताओ, ऑलवेज होगी, बिल्कुल होगी, आप इनमें से कोई एलिमेंट उठाओगे, ए बी और डी उठा लिया, तो इनकी कंपोजिशन करा लो कंबाइंड करके या फिर आगे पीछे करा लो, सेम ही होगा, क्योंकि किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट, तो एसोसिएटिविटी चेक करने की जरूरत हमें नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बताओ, चेक कर रहे हैं हम है या नहीं है, मैंने ये उन्हें बोला कि ग्रुप है, सब ग्रुप है, आइडेंटिटी बताओ, मान लो आइडेंटिटी यहाँ पे है और उसने यहाँ पे ली नहीं,
देखना पड़ेगा ना आइडेंटिटी उसने ली है नहीं ली, ओके okay? और एक बात बताओ, जब आइडेंटिटी उसने ले ली और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा था, फिर इनवर्स तो उसके अंदर ही होगा फिर वो, है ना। तो आपको या तो क्लोजर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी वाली, ठीक है, आइडेंटिटी या इनवर्स वाली प्रॉपर्टी चेक कर लो, कोई भी दो प्रॉपर्टी चेक कर लो, वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ करने का तरीका तुम्हें पढ़ा ही होगा ग्रुप में, कि आप एक एलिमेंट ए लो, किसका सब ग्रुप क्या लेके चल रहे हैं हम, एच, बी एलिमेंट किसका लो, एच का लो। तो अगर ए बी इनवर्स भी किसके अंदर बिलोंग कर जाता है, एच के अंदर बिलोंग कर जाता है, तो एच क्या हो जाता है, उसका सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई भी दो रैंडम एलिमेंट उठाने हैं आपने, अगर ए बी का इनवर्स, ये ए बी इसका इनवर्स नहीं है, ये कैसे है, ए स्टार बी का इनवर्स, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, एच के अंदर आ जाएगा। देखो दो प्रॉपर्टी बोला था ना मैंने, ये है ना, ये इसका और इसका करके, ये तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, क्लोजर, और बी लेके बी का इनवर्स भी उसके अंदर दिखा रहा है, इसका मतलब इनवर्स, ठीक है। और अगर ये आ गया, बी का इनवर्स की बात करते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, तो ये थ्योरम होती है हमारे पास किसी भी सबसेट को चेक करने के लिए, वो ग्रुप सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप सिर्फ ए बी इनवर्स का, ए बी इनवर्स को एच के अंदर बिलोंग करवा दीजिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, तो वो सब ग्रुप बनेगा, अदरवाइज सब ग्रुप नहीं बनेगा। अगर एक भी ऐसा पेयर है कि ए इंटू बी इनवर्स करने से इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो वो सब ग्रुप नहीं बनता है, ठीक है। ये लोअर क्लास में हमने पढ़ा था, ग्रेजुएशन में, ओके। अब ये ग्रुप पढ़ा था हमने Z प्लस, सबसे पहले यही इसको ग्रुप प्रूव करा था हमने। तो अगर तुमने इसके सब ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, तो इसके सब ग्रुप तुम्हें पता ही होगा कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं 2Z, ठीक है, 3Z, 4Z, 5Z, लिख सकते हो 2Z क्या होगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड अप टू सो ऑन। ये कैसे बनेगा, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस, अभी बताओ क्या ये Z का सबसेट है, इंटीजर ही है, ये भी जेड का सबसेट है, ये भी जेड का सबसेट है। तो अगर जेड प्लस आपने ग्रुप लिया है, तो इसके जो सब ग्रुप है ये किस टाइप के हो गए, एम जेड, और एम में तुम्हारे पास वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होंगे, इसके सबसेट, यानी एम जेड है वो किसके अंदर कंटेन होगा, जेड के अंदर कंटेन होगा, ओके, क्लियर है। अब देखो दो चीज मैंने बोल दी, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये समझ आ गया, जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया मुझे बोल देना, ओके। मैं दो सेट लिख रहा हूँ, मैंने एक तो लिख दिया 2z, एक मैंने लिख दिया 10z, 10z इज इक्वल टू, इसमें होगा प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 30, ऐसे एलिमेंट होंगे इसके अंदर, है ना, क्लियर है। अब एक बात बताओ, एक तो है 10z और एक तुम्हारे पास 2z है जो ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये इसके अंदर कंटेन है या फिर ये इसके अंदर कंटेन है, 10z, क्योंकि इसमें क्या तुम्हें 2z दिख रहा है कहीं भी, नहीं दिख रहा, मतलब 2z है वो 10z के अंदर कंटेन नहीं है, लेकिन 10z है वो 2z के अंदर कंटेन है। अब मैं जो 10z है ना, इसकी जगह तो लिख दूं मैं mz, और यहाँ पे मैंने सबसेट बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया nz, ठीक है। ये कब पॉसिबल हो सकता है बताओ, ये जो चीज़ लिख दी मैंने कब पॉसिबल होगी, जब देखो m और z है, m और n है, इनमें क्या रिलेशन हो, नहीं, ये तो होगा ही होगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, साथ के साथ जो n है वो किसके डिवाइड करे, m को डिवाइड करे, तो जो mz है वो nz का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो हमने दो चीज सीखी है यहाँ पे, पहले तो z से शुरुआत करी, z के सबसेट लिखे, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, लेकिन फिर इनमें भी देखना होना कि कौन किस में अंदर कंटेन है, तो उसके लिए आप ये देख लीजिए कि mz और nz इस तरफ लेके चले हो, तो अगर ये n है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो जिसको डिवाइड कर रहा है ना वो कंटेन होगा किसके अंदर, nz के अंदर। जैसे एक तरफ हमने 10z लिया और एक तरफ 2z लिया, तो आपको ये लग रहा होगा कि 2z nz के अंदर कंटेन है, क्योंकि 2z छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो 10z है वो 2z के अंदर कंटेन हो जाएगा, ओके। तो ये भी प्रॉपर्टी है हमारे पास सब ग्रुप की, ये किसके ग्रुप, किसके सब ग्रुप की बात हो रही थी, सेट ऑफ इंटीजर्स के, ओके। फिर हम सब ग्रुप लिखेंगे zn के, एडिशन मॉडुलो n के, कि वो कितने होंगे, ठीक है, यही पूछेंगे। जैसे कल आप पूछ रहे थे कि सब ग्रुप कितने हैं zn के, ऐसा पूछा हुआ था, तो जस्ट सारे नंबर थ्योरी का यूज है इसमें, जो नंबर थ्योरी करी थी ना हमने, सारा नंबर थ्योरी का यूज है, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर सब ग्रुप पूछे किसमें, zn में, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछ ले, मान लो उसने पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ z24 बताओ कितने होंगे, है ना, तो कितने होंगे, 24 के जितने डिवाइजर है ना उतने ही होंगे, यानी d24, और इसको तो हमने सोल्व किया ही था। देखो एक फॉर्मूला तो एक ही है, आपने देखा होगा एंट्रेंस में अलग से भी पूछा हुआ है, D24 बताओ, D48 बताओ कितना होता है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप बताओ टोटल कितने होंगे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 24 है, लेकिन क्या पूछा है उसने, इसके
सब ग्रुप पूछा है, तो सब ग्रुप के लिए जितने 24 के पॉजिटिव डिवाइजर है, डिवाइजर की हम डेफिनेशन लिखते हैं तो पॉजिटिव डिवाइजर बोलते हैं, वही हो गया। और इसका तो फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और फिर जितनी पावर आएगी प्राइम की उसमें 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, डी ओ, ये कैसे लिखेंगे, 12 × 24 2^3 है ना, ये हो गया। अब ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो बताओ इसकी पावर 1, 3 + 1 = 4, 1 + 2 = 2, कितना हो गया 8, तो 8 डिवाइजर होंगे 24 के। ठीक है, वीडियो देख ली थी वो नंबर 3 की, नहीं देखी, देख ली, डिवाइजर निकालने आ गए तो वे झूठ तो नहीं बोल रहे, वहाँ से देख रहे हो ना नंबर 3 के एक का क्वेश्चन आ रहे हैं हर वीडियो से। तो ऐसे हम डिवाइजर, और आओ से ना हो यहाँ पे भी यूज होंगे, जैसे कल पूछ रहे थे आप नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव क्या पूछ रहे थे वो, नॉन एबिलियन ग्रुप कितने होंगे, एबिलियन ग्रुप कितने होंगे, वो सारे के सारे आइलर 5 फंक्शन से आएंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसके बताओ, फिर बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो 24 के आप डिवाइजर देख लीजिए। ओके, क्लियर है। अब जैसे एबिलियन ग्रुप पढ़ा था हमने, वैसे ही एक ग्रुप और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, पढ़ा होगा, पहले बताने की जरूरत है नहीं। साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप जिसके हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये देख लीजिए, Z5 लिख दिया मैंने, Z5 में क्या होगा तुम्हारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 एलिमेंट होंगे। तो आप एक एलिमेंट की कंपोजिशन कराते चले जाइए, मान लो एडिशन मॉडुलो 5 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में तो बना भी नहीं था ये ना, कल हमने चेक किया था ना, एक तरफ एडिशन में चेक किया था और एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में, तो एडिशन में तो नहीं बना था ये। तो अब देखो, मान लो मैंने 1 उठा लिया मैंने, तो 1 उठा के मैंने 0 बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन सकता है, 1 + 4 तो कर नहीं सकते आप, 1 की हेल्प से, 1 की पावर में कितनी करूं कि हमारे पास 0 बन जाए, विन है। क्लियर तो हो गया था ना सारा, ये ZN जितने भी ग्रुप है वो क्या, उसके बाद तो बताना है मुझे, बताओ। देखो ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, एडिशन मॉडुलो एन, एडिशन मॉडुलो 5 है। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, 1 की कितनी पावर करूँ कि 0 बन जाए, तो 1 को कितनी बार ऐड करूँ कि मैं 0 बन जाए, तो कितनी बार ऐड करूँ, 5 बार ऐड कर दो आप, 1 + 1 + 1 + 1 + आंसर कितना आ गया, काम किस पे चल रहा है, Z5 पे, तो 5 किस कितने बिहेव करेगा, 0 आ गया, यानी 1 की पावर 5 करूँ तो 0 आ गया। 1 की पावर कितनी करूँ कि 1 आ जाए, 1 ही कर लीजिए, तो 1 की पावर 1 को 1, 1 की पावर कितनी करूँ कि 2 आ जाए, 2 ही कर लीजिए, 1 की पावर 2, 3 करूँ तो 3 आ जाएगा, 1 की पावर 4 करूँ तो 4 आ जाएगा, 1 की पावर 5 करूँ तो। ठीक है, अब कोई चलेगा सर ठीक है, आप 2 की पावर कितनी करूँ कि 0 आ जाए, बताओ, 5 कर लो, 2 की पावर 5 करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 किस कितने, 0 आ गया, 2 की पावर कितनी करूँ कि 1 आ जाए, फिर 2 की पावर कितनी करूँ कि 3 आ जाए, 2 की पावर कितनी करूँ कि 1, 2, 4 आ जाए, समझ रहे हो, कर सकते हो ना। तो यहाँ से आप देखोगे तो मैं जी को ऐसे लिख सकता हूँ, G = 1, ऐसे ही है। ओके, ये इसका जनरेटर है, और जो तुम्हारा ग्रुप है वो तुम्हारे पास क्या है, Z5 है। ओके, तो क्या 1 से जनरेट हो सकते हैं, 2 से जनरेट हो सकते हैं, ये 3 से भी हो जाएंगे, 3 की पावर कुछ भी करोगे एलिमेंट आ जाएंगे 5 के पास, फिर 4 से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे से एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप को हमने नाम दिया है, और उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। क्या डेफिनेशन होती है बताओ साइक्लिक ग्रुप की, सिंगल एलिमेंट। तो अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। उसके एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जेड, और यहाँ पे आप पी लिख दीजिए, वेर पी इज ए प्राइम नंबर, तो आप देखोगे Z5, Z7, Z11, ये सारे के सारे क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेना कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक ग्रुप, फर्स्ट ऑप्शन वो दे दिया उसने Z36, सेकेंड ऑप्शन उसने दे दिया Z97, थ्री बोल दिया Z49, और जेड फोर्थ ऑप्शन दे दिया उसने Z25। ठीक है, और ये पूछ ले कि इनमें से साइक्लिक बताओ कौन सा होगा ग्रुप, तो कौन सा होगा बताओ साइक्लिक, Z97। ठीक है, क्योंकि 97 है वो तुम्हारे पास क्या है, एक
प्राइम नंबर, ये थोड़े प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप बताओ कौन सा होगा उनमें से। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट, ये भी तुमने पढ़ा होगा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए एबिलियन ग्रुप, बट एवरी एबिलियन ग्रुप मस्ट नॉट बी ए साइक्लिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आप जेड टू क्रॉस जेड टू ले लीजिए, अभी मैंने बताया था क्या एबिलियन ग्रुप है, ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, लेकिन ये क्या साइक्लिक है, ये नहीं होगा साइक्लिक, ठीक है। इसका कोई भी आप एलिमेंट लोगे उससे सारे सारे इसके एलिमेंट जनरेट नहीं हो सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इज इट नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। एक ये क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर बताइए आप कितने होंगे, ठीक है। तो कितने होंगे, और लेकिन जी है उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर मतलब जैसे अभी मैंने बोला था ना, देखो अभी मैंने कौन सा ग्रुप डिस्कस किया था तुम्हें, जेड फाइव डिस्कस किया था, तो जेड फाइव में वन भी बन रहा था, जीरो नहीं बन रहा था, क्या आप जीरो को जोड़ के वन ले आओगे, नहीं लेके आ सकते, तो जीरो जनरेटर नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट वन बन रहा था, टू बन रहा था, थ्री बन रहा था, फोर बन रहा था, है ना, चारों एलिमेंट बन रहे थे। क्या समझाऊं दोबारा, क्या आप टू की कुछ पावर करके वन ले आओगे, कितनी करी थी, सिक्स कर दो, टू की पावर टू प्लस टू प्लस टू कितने हो गए, सिक्स, फाइव से रिड्यूस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, वन, तो टू की पावर थ्री करेंगे तो वन आ जाएगा। फिर तुम्हें टू की पावर टू चाहिए तो कितना कर दो, सिक्स कर दो, ठीक है, टू की पावर सिक्स कर दो यहाँ पे, ओके, दो छक्के बारह, फाइव से रिड्यूस करोगे आंसर टू आ गया। आप लेके आ सकते हो ना कुछ भी पावर करके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो टू इसका जनरेटर बन रहा है। फिर मैंने बोला थ्री भी बन जाएगा और फोर भी बन जाएगा। तो अगर ऐसा है कि जी तुम्हारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और जी तुम्हारे पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप भी है, तो इसके जो नंबर ऑफ जनरेटर हैं, नंबर ऑफ जनरेटर, वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, फाई ऑफ एन के इक्वल हो जाएंगे। और ये तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं मुझे लगता है, क्योंकि ये इसको हमने इंडिविजुअली अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। कौन सा फंक्शन होता है ये, आयलर फाई फंक्शन, ओके। तो मैंने मान लो ये बोल दिया कि जी है उसका जो ऑर्डर है वो तुम्हारे पास 36 है, और मैंने बोल दिया कि साइक्लिक भी है, ठीक है। तो साइक्लिक है तो यहाँ से आप बताओ कि कितने हो सकते हैं इसके नंबर ऑफ जनरेटर, 536 निकाल दो, 536 को मैं 5 ऑफ 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और फिर निकाल दो इसका फॉर्मूला लगा के, ओके। तो ये आ जाएंगे किसी भी साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर। क्लियर है? एक देखो ये भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ठीक है। देखो जी है एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ले लिया मैंने, इसके दो मैंने सब ग्रुप ले लिए, एक तो एच और एक दूसरा क्या ले लिया के, ठीक है। पर इनकी कंपोजिशन कराई मैंने, ठीक है, यानी एच की और के की कंपोजिशन कराई, तो इसका ऑर्डर उसने दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के अपॉन, सॉरी ये नीचे आएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये भी एग्जाम्पल, ये भी कितनी चीज है टोटल यहाँ पे, एक दो तीन चार, इन चार में से तीन वैल्यू तुम्हें दे देगा और एक वैल्यू पूछेगा एग्जाम में। लिख लिया, ये भी कई बार दे देता है, एच के इनका इंटरसेक्शन दे देगा, बोलेगा इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, चार ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला होता है, ओके। बताओ जेड 29 के अंदर अंजू कितने जनरेटर होंगे, जेड 29 के अंदर अट्ठाईस, 529 तो निकालना था, और 29 क्या एक है प्राइम नंबर हो, और 5p किसके इक्वल होता है, p माइनस वन के। तो देखो z5 किया था मैंने, तो उसके जनरेटर कितने थे,
टू भी था, थ्री भी था, फोर भी था, तो जेड फाइव करेंगे, फाइव फाइव करेंगे तो कितना आएगा, फोर आएगा। तो जनरेटर है वो, जरूरी नहीं है कि बच्चे सोचते हैं कि जनरेटर है एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे जेड 29 है, इसके टोटल नंबर ऑफ जनरेटर जीरो को छोड़ के आप सारे कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उससे सारे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आसानी रहे इसलिए मैं एलिमेंट वन उठाता हूँ, है ना। तो जैसे जेड फाइव किया था, तो यहाँ पे तुम्हें देखो, मैंने जब जेड फाइव किया था यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ा, थ्री में और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, फोर में और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ जनरेटर है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, क्लियर है। जेड 31 के अंदर कितने होंगे, 30। जेड 35 के अंदर, अच्छा 34 होंगे। जेड 35 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो उसको अपने ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दो डेफिनेशन है, एक तो होता है सेंटर और एक होता है नॉर्मलाइजर, ठीक है। क्या होता है, एक तो सेंटर एक नॉर्मलाइजर, दोनों अलग अलग चीज़ होती है ये। ओके, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ नॉर्मलाइजर की, नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप, जिसको हम ऑफ ए एलिमेंट, ओके। जब नॉर्मलाइजर की बात करी है तो मैंने किसकी बात करी है, एलिमेंट की, ठीक है। एक क्लास है जिसके अंदर 25 बच्चे हैं, ठीक है, या 50 ले लिया, चलो 50 बच्चे हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर ये होता है कि किसी के कितने फ्रेंड हैं, ठीक है, उसको उसका नॉर्मलाइजर बोलते हैं। मान लो 50 बच्चों की क्लास है, मैंने रैंडम एक बच्चा उठा लिया और मैंने तुमसे पूछा कि इसके दोस्त कौन कौन से हैं उनमें से, ठीक है। तो क्लास में पता लगा उसके दोस्त 10 हैं, तो नॉर्मलाइजर के उस एलिमेंट के नॉर्मलाइजर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, वो 10 के 10 उसके फ्रेंड आ जाएंगे, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन होती है, नॉर्मलाइजर की, ठीक है। नहीं समझ आया, ग्रुप में कैसे लिखेंगे इसको, नॉर्मलाइजर है इसलिए इसका एन यूज कर लिया, ठीक है। एन ऑफ किसकी एलिमेंट की बात हो रही है, जी के, तो उसका मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। यानी 50 बच्चे हैं क्लास में और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए के दोस्त बताओ, दोस्त मतलब जिसकी उसके साथ बनती हो वही तो दोस्त होगा उसका, ठीक है। और जो बनती होगी उसमें इसको क्या बोलेंगे हम, कम्यूटेटिविटी। तो अगर मैथमेटिकली बोलेंगे तो एक एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के साथ अगर कम्यूट कर रहा है तो उन सभी को हमने एक ग्रुप में लिख लिया एंड उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ जी नहीं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए। और ये जो तुम्हारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, ये तुम्हारे पास देखो आएगा तो सब किसके एलिमेंट आएंगे, जी के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। मैंने 50 बच्चे थे क्लास में, उसके दोस्त कितने थे, 10 थे, तो 10 उसी क्लास में तो पूछा है, तो ये जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है ये सबसेट भी तो बन जाएगा, किसका, जी का सबसेट के साथ साथ ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप भी बन जाएगा। यानी नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। और हर एक एलिमेंट के अलग अलग नॉर्मलाइजर आएंगे। अब एक बच्चा खड़ा किया होता, मैंने दूसरा बच्चा खड़ा किया, क्या पता किया, मैंने दूसरा बच्चा खड़ा किया और जो उसके फ्रेंड थे ना, क्या पता सारे सारे उसके दुश्मन हो, दुश्मन मतलब उसकी उनके साथ नहीं बनती हो। तो हो सकता है उसके जो फ्रेंड है उन 10 बच्चों से अलग हो, और हो सकता है उनमें से भी कुछ उसके फ्रेंड कॉमन हो, है ना। तो हर एक एलिमेंट की नॉर्मलाइजर आप निकालोगे तो अलग अलग निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर ऐसे कोई क्लास जिसके अंदर कोई भी दुश्मन एक बच्चे का नहीं हो, उस क्लास को हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं, ना, जिसकी हर किसी के साथ बनती हो। अब एबिलियन ग्रुप बोल दिया मैंने, तो हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। तो मैंने बोल दिया एक क्लास है जिसको अच्छी क्लास बोल रहे हम, सबसे अच्छी क्लास है ना, उस क्लास को हमने किसका नाम दिया है, एबिलियन ग्रुप, मतलब कोई किसी का दुश्मन है ही नहीं, सभी एक दूसरे के फ्रेंड है। तो मैंने बोल दिया जी इज एबिलियन, और मैंने बोल दिया इफ जी का कोई एलिमेंट है ए जी, और मैं फिर तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके दोस्त बताओ कौन से हैं, तो क्या है उसके दोस्त कौन कौन है बताओ, कितने होंगे, सारे ही होंगे। तो अगर मैं एन ऑफ ए पूछूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, उसमें कोई है ही नहीं जो उसके दोस्त ना हो, क्योंकि आपने जी को ऑलरेडी क्या बोल दिया, अच्छी क्लास मतलब एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो देखो ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मलाइजर की, ये तो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है। एनी डाउट, आ गया समझ में।
अब इसी के इसी से मिलती जुलती एक डेफिनेशन और पढ़ते हो तुम, जिसको आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ ग्रुप। नॉर्मलाइजर में कोई दिक्कत? अब सेंटर ऑफ ग्रुप है वो, देखो क्या होता है, क्लास के वो सारे बच्चे जिसका कोई दुश्मन नहीं है। नहीं समझ आया? सेंटर ऑफ ग्रुप, कई होते हैं ना ऐसे, एक दो बच्चे तो होते ही है ना क्लास में, जिसका क्लास में किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप का सेंटर। नॉर्मलाइजर तो अलग चीज़ है ना, नॉर्मलाइजर में मैंने एक बच्चे को खड़ा किया है, फिर उससे पूछा है कि तुम्हारे दोस्त बताओ, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या बोला है मैंने, क्लास के वो सारे बच्चे। मैंने क्या एक बच्चे को खड़ा किया है? एक बच्चे को खड़ा नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट की जगह क्या लिखा है, ग्रुप, क्लास के वो सारे बच्चे जो क्लास के हर एक स्टूडेंट का उसका फ्रेंड है, तो वो सारे बता दो तो वो उसका क्या हो जाएगा, सेंटर। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, देखो सेंटर है ना, तो कई बार इसको सी से भी लिखते हैं, लेकिन जो मॉडल जब है उसको हम किससे लिखते हैं, जेड से, जेड ऑफ जी, जेड ऑफ जी लिखेंगे यहाँ से। और ये देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या मैंने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट उठाया है, नहीं, अब हमने यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे बताओ, जेड जी, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसका एलिमेंट लिखेंगे, जी का एलिमेंट, ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू, या ए लिख लो, एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एक्स ए, वही यूज कर ली क्या, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ठीक है, ये तो मैथमेटिकली है। और वर्बली बोलेंगे तो क्या है, क्लास के साथ करोगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा ना, वो सारे बच्चे जो क्लास में हर एक दूसरे बच्चे का क्या है, दोस्त है, वो सारे लिखोगे। या फिर मैथमेटिकली ऐसे बोलेंगे कि वो सारे एलिमेंट जो ग्रुप के दूसरे हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हो, कम्यूट करते हो, तो उसका सेंटर बोलते हैं उसको, ओके। तो ये तुम्हारे पास होता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ग्रुप अलग चीज़ होती है और नॉर्मलाइजर अलग चीज़ होती है, कई बच्चे इनमें कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजर की बात होगी तो कंसर्न एक स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ कंसर्न एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन सेंटर वो पूरा पूरा ग्रुप का होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट ये है, ओके। अब साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट करते हैं। मान लो ग्रुप है जी, वो तुम्हारे पास साइक्लिक है, जी इज साइक्लिक, ओके। पहली बात, अगर जी साइक्लिक है और जी है वो ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है, जी है वो ए से जनरेट हो रहा है, तो ए का ऑर्डर है और जी का जो ऑर्डर है, बताओ क्या रिलेशन होगा उनमें, सेम होगा, यानी ए का ऑर्डर और जी का ऑर्डर सेम होगा। ये सिर्फ किसके लिए है, जनरेटर के लिए, अगर वो जनरेटर है तो, ओके, क्लियर है। कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो, कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो, वो ऑलवेज क्या होता है, साइक्लिक, ठीक है। फिर जेड एन की बात करो चाहे ना करो, मैंने बोल दिया कि ग्रुप है जिसका ऑर्डर 97 है, क्या वो साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक। कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 61 है, क्या वो साइक्लिक है, साइक्लिक है, ठीक है। तो प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो ऑलवेज साइक्लिक होगा, ठीक है। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, उसके जितने भी सब ग्रुप है वो भी सारे सारे क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक है। और एबिलियन के भी सारे सारे सब ग्रुप है वो क्या होंगे, एबिलियन होंगे, क्योंकि साइक्लिक है तो वो एबिलियन तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर जी साइक्लिक है और उसके जी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जी साइक्लिक तो हो लेकिन साथ के साथ वो क्या हो, इनफाइनाइट भी हो, तो अगर ऐसा हो तो उसके अंदर सिर्फ दो जनरेटर होंगे, यानी, या फिर ये ऐसे भी है मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है और इनफाइनाइट है तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। नहीं समझ आया, यानी जेड के अंदर कितने कितने जनरेटर होंगे, एक तो वन होगा और एक माइनस वन होगा। या फिर आप ये बोल लो कि कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके अंदर जनरेटर, अगर साइक्लिक और इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ जनरेटर ए और ए इनवर्स, ठीक है, दो ही होंगे, वन और वन इनवर्स, ठीक है। कल हमने कुछ ग्रुप पढ़े थे,
ठीक है, उनमें से बताओ कौन कौन से साइक्लिक होते हैं। जेडन के बारे में तो मैंने बता दिया, साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ वो प्राइम हो। ठीक है, दूसरा यूनिट ग्रुप पढ़ा था, वो साइक्लिक होगा। तीसरा कौन सा पढ़ा था, नेक्स्ट जेड, नेक्स्ट डाईहेड्रल ग्रुप पढ़ा था ना। जब डी वन लिखा मैंने, डी टू लिखा, डी थ्री लिखा एंड अप टू सोन डी फोर डी फाइव लिखते चले गए। जब डी वन है उसका ऑर्डर कितना है, दो है, ऑर्डर चार, लेकिन चार से नीचे तो मैंने बताया था ऑलवेज क्या होते हैं, एबिलियन। ठीक है, अगर तीन से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो गया ना, या मैं बोल दूँ तीन या तीन से ज़्यादा हो गया ना, वो एबिलियन बनेगा। फिर आगे साइक्लिक बनेगा, एबिलियन ही नहीं तो साइक्लिक कहाँ से बनेगा। तो अगर डी थ्री डी फोर इनकी बात करी चले जाइए तो ये तुम्हारे पास कौन से ग्रुप बनेंगे, नॉन एबिलियन। ठीक है, और डी वन डी टू की बात करी जाए तो कौन से बनेंगे, एबिलियन एज वेल एज साइक्लिक भी। ठीक है, फिर ये भी तुमने ग्रुप पढ़े थे, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव, है ना, सेम एज थी, इनको छोड़ के बाकी सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन एबिलियन, नॉन साइक्लिक, ये एबिलियन एज वेल एज साइक्लिक। ठीक है, जनरली ने ग्रुप भी पढ़ा था, ठीक है, वो भी एबिलियन होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव वो कोई जरूरी नहीं है, है ना, एबिलियन नहीं बनेगा, और एबिलियन नहीं बनेगा तो साइकिल भी नहीं, साइक्लिक भी नहीं बनेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो हो सकता है, मतलब मैंने एक ए और बी मैट्रिक्स ले ली, तो ए बी है उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, बी ए है उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, तो क्या यहाँ से ए बी और बी ए की इक्वल होने की गारंटी आप दे सकते हो, नहीं दे सकते, लेकिन डिटरमिनेंट इक्वल होता ही हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, तो वो भी एबिलियन नहीं होते हैं। ओके, ये ग्रुप हमने पढ़े थे लास्ट टाइम में, क्लियर है। नेक्स्ट, कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे। जी कोई ग्रुप है और फाइनाइट है, ठीक है, प्लस साइक्लिक भी है वो, ठीक है, द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी अपॉन फाइव डी। ठीक है, किसका फॉर्मूला ये अंजू बताओ, जैसे जेड एन लिखा था उसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछा था मैंने, कितने बनेंगे, डी ऑफ एन जिसके उन्हें डिवाइजर होंगे, उनमें से साइक्लिक कितने हैं वो देखना है ना, और कितने ऑर्डर के देखना है, तो डी ऑर्डर के देखना है, तो डी ऑर्डर के कितने बनेंगे, पहले तो उसमें देख लो कि डी ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, फिर आप ये देख लो कि फाइव डी एलिमेंट कैसे देखे जाते हैं, वो इसे नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें आज अच्छी क्लास लगा लेना, उसमें हम देखेंगे एलिमेंट के ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इतने ऑर्डर के होंगे, कैसे होंगे, ये 5D हो जाएगा। ओके, 5D तो पता ही है, आयलर 5 फंक्शन। तो ऐसे हम टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालते हैं, ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉन एबिलियन ग्रुप किसके नॉन एबिलियन, इसके लिए पूरी टेबल है, हाँ ठीक पूछा है, पूरी टेबल है इसके लिए, वो मैं भेजूंगा। ठीक है, दो टेबल है, मैं बता देता हूँ, देखो दो टेबल है, हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। एक तो ये क्वेश्चन देखा होगा आपने एंट्रेंस में कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इससे इस लग बताओ कितनी होगी, एक तो ये क्वेश्चन पूछा होगा, एक ये पूछा होगा कि अप्टो आइसोमॉर्फिज्म
कितने एबिलियन बने, कितने नॉन एबिलियन बनेंगे, इन दोनों के टेबल मैं आज जाके भेजूंगा आपको, ठीक है। वो टेबल दोनों याद कर लेना, दो एक या दो क्वेश्चन वहाँ से पक्के आएंगे। बताओ कौन कौन से टेबल, एक तो जो विनय ने पूछा कल भी, वो विनय पूछ रहा था ना यहाँ पे सेंटर की और नॉन एबिलियन ग्रुप की कितनी बनेगी। तो देखो कैसे होगी वो, एक तरफ ऑर्डर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 15 तक पूछेगा आराम से वो आपसे, यहाँ पे नॉन एबिलियन और यहाँ पे एबिलियन, ठीक है, ये पूरी टेबल है। दूसरी बताओ, समझ गया मैं कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, नॉन एबिलियन पूछा है अप टू, दिखाओ। हाँ हाँ ये बिल्कुल टेबल भेजूंगा मैं, ऑर्डर 125 है, 25 को मैं 5, 125 को 5 raised to power 3 बोल सकता हूँ ना, तो पूरी टेबल है ये, पहली टेबल आ गई समझ में। तो यहाँ लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उस टेबल को देख लेना आप एक बार, ठीक है, फ्री होते ही मैं भेजूंगा। और दूसरी होमोमॉर्फिज्म, मान लो कोई ग्रुप है Z6 Z8, आइसोमॉर्फिज्म है तो कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, कितने नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बनेंगे, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। और जो ग्रुप है वो यही है जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ओके। ये दो टेबल है, दो टेबल याद कर लेना आप, दो क्वेश्चन पक्के हैं, ओके। देखो हर बार पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन ही, ठीक है। कोसेट पढ़ा हुआ है तुमने, कोसेट ये इंडेक्स जिससे हम लिखते हैं, एच है कोई भी सब ग्रुप है जी का, ठीक है, तो कोसेट कैसे लिखते हैं, इसका कोई एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, देखो एच ए इज इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच एंड ए बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। ए तो आपने फिक्स किया ही है इसका, ए बिलोंगिंग टू जी, तो देखो एच के जब राइट में लिखते हैं हम तो उसको राइट कोसेट बोलते हैं, और अगर मैं ऐसे लिख दूं ए एच और उसको लिख दूं मैं ए एच सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच, तो ये तुम्हारे पास इसका लेफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं कोसेट्स। समझ में आ गया, जब तुम एमएससी में पढ़ोगे इसकी पूरी यूनिट है कोसेट्स की आएगी, ओके, थर्ड यूनिट कोसेट्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे हुए हैं तो इनको आप स्किप कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप, ये नोटेशन पढ़ी है, पढ़ी है नोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ एच, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्रुप जी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ऑर्डर ऑफ जी है उसको डिवाइड कर दो ऑर्डर ऑफ एच से, वो उसका क्या हो जाता है, इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी, लैग्रेंज थ्योरम क्लियर है, क्या होती है लैग्रेंज थ्योरम, किससे रिलेटेड होती है, ऑर्डर तो होता ही है, अब सब ग्रुप की फॉर्म में हम पढ़ेंगे उसको। देखो वर्बली में बता रहा हूँ क्या होती है लैग्रेंज थ्योरम, हमेशा ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसको उसके सब ग्रुप का ऑर्डर ऑलवेज डिवाइड करता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास उसकी स्टेटमेंट होगी लैग्रेंज की। मतलब ऑर्डर ऑफ जी है वो मैंने बोल दिया एन है, ऑर्डर ऑफ एच है वो बोल दिया एम है, सच दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो एम वो किसको डिवाइड करेगा, एन को डिवाइड करेगा, दिस इज द लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है। देखो स्टेटमेंट आ गई समझ में, आसान सी है, लेकिन इसकी जो यूज है ना वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। मानो मैंने ये बोल दिया एक ग्रुप है जी, इसका ऑर्डर है वो 93 है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बताओ कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। सब ग्रुप भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रॉपर सब ग्रुप, एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप, है ना। इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन से बोलते हैं,
एक तो खुद और एक आइडेंटिटी, ठीक है। देखो जी है तो जी है वो जी के अंदर तो कंटेन होगा ही, खुद का खुद तो सब ग्रुप होता ही है, और जो सिंगलटन ई है वो भी जी के अंदर होगा। इसको कौन सा बोलते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। ये भी कौन सा होता है? ट्रिवियल सब ग्रुप। इन ट्रिवियल सब ग्रुप को हमने नाम दिया है इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ओके। हाँ जी, लेकिन मैंने किसके सब ग्रुप पूछे हैं तुम्हें? एक ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना है 93। लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलती है? सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को ऑलवेज डिवाइड करेगा। तो बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे, एक तो खुद ई, ठीक है, और कोई खुद जी। कोई बच्चा बोलेगा सर और नहीं बन सकते, और कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा जो 93 को डिवाइड करेगा लैग्रेंज थ्योरम से। तो देखो हमने कितनी सारी चीज़ें स्किप कर दिया ना, ना हमें 57, 58, क्या ढूंढने की कोशिश करोगे अब तुम? नहीं मिलेगा, क्योंकि लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलती है? सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को ऑलवेज डिवाइड करेगा। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ लैग्रेंज थ्योरम मॉडल अलजेब्रा में, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट, अब इसको जनरलाइज कर सकते हो रिजल्ट को। मैंने ये बोल दिया कि ग्रुप है उसका ऑर्डर प्राइम है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या बनेंगे? दो ही बनेंगे, और दो भी कौन कौन से होंगे? ट्रिवियल सब ग्रुप, एक तो आइडेंटिटी, ठीक है, सिंगलटन आइडेंटिटी, ये भी सब ग्रुप बनता ही है, ठीक है। क्या ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आइडेंटिटी है इसमें, इसके अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स है। ई का इनवर्स क्या होता है? ई होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी है, ई इंटू ई करोगे क्या आएगा? ई आएगा, एसोसिएटिविटी होगी, तो एक ग्रुप बनता है, ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं इनको इसका, ठीक है। तो बस यही है। एक और इम्पोर्टेंट है, एक ग्रुप है जी, ओके, वो तुम्हारे पास फाइनाइट ग्रुप है प्लस साइक्लिक भी है, ठीक है, सच दैट उसका जो ऑर्डर है जी का वो एन लेके चले हैं हम, ठीक है। एक डिवाइजर है डी का जो एन को डिवाइड करता है, ठीक है, एन का डिवाइजर है डी, ठीक है। तो अगर ऐसा है देन ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ग्रुप थ्री का। क्या रिजल्ट है समझ में आया? इसमें जो मेन चीज है ना वो ये है, यानी अगर जी साइक्लिक है और साइक्लिक भी कौन सा? फाइनाइट है, ठीक है, तो एन को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर है उन सभी ऑर्डर का एक सिर्फ एक ही सब ग्रुप मिलेगा उसका, ठीक है। तो बच्चा बोले सर जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर ये है, ठीक है, मतलब 5 बोल दिया, और उसके दो सब ग्रुप है उस ऑर्डर के, तो वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ क्या मिलेगा? एक, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, एग्जैक्टली, ठीक है, ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, गेट के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया इसका, ठीक है। मान लो Z13 लिख दिया मैंने, Z13 लिख दिया, क्या साइक्लिक ग्रुप है ये? जनरेटर कितने हैं इसके? 12 है। इसके सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे? 13 के सेंटर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे? 13। 13 का कोई एलिमेंट ले लिया मैंने 5, ठीक है, उसके नॉर्मलाइजर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे? 13 के अंदर है ना सर्कुलेशन। मैंने बोल दिया Z13 है, ठीक है, उसके सेंटर के अंदर 13 एलिमेंट है, ये क्लियर है सभी को? फिर बोले तो 5 है, उस 5 के नॉर्मलाइजर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 13 ही होंगे, इतना क्या सोच रहे हो? Z13 ने तो दिया है, Z13 है ऑलवेज क्या होगा? साइक्लिक, ऑलवेज एबिलियन। Z13 के अंदर 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे?
कितने सब ग्रुप होंगे 5 ऑर्डर के, 6 ऑर्डर के बताओ, एक Z13 पूछा है, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है उसका, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, फिर एक भी नहीं होगा, ठीक है। 7 ऑर्डर का पूछता, एक भी नहीं होगा, अभी तो मैंने पढ़ा प्राइम ऑर्डर है तो एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं इसमें, कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ग्रुप तो ग्रुप 3 तो हो ही गया है, होमोमॉर्फिज्म वाली मैं फ़ोटो भेज दूंगा। तो कल हम करेंगे रिंग एंड फील्ड्स, ठीक है। और उससे पहले आप चाहे बेशक 3 स्टूडेंट हो, इसको अल्टरनेटिव डेज में लेके चले जाओ, और जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है वो आप इनसे ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग सी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स, और दूसरे कौन से हैं, स्टैट और डायनामिक्स, इससे कर लीजिए, ठीक है। ये लो।